हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग आरडी व्लॉग्स। मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास दो तीन वीडियो पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से अगर ऑफर आ सकता है इंटरव्यू के लिए भी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो टाइटल और थंबनेल में देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया था एमिरेट्स के लिए, वो भी पता किस चीज के लिए, केबिन क्रू के लिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक मेरा सपना था कि मैं इस चीज के लिए इंटरव्यू दूं। होपफुली देखते हैं, इंटरव्यू भी थोड़ा बहुत सही गया है, अभी देखते हैं रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। मैं ये सोच रहा था पहले तो कि मैं आपको जब बताऊंगा, जब मेरा क्या कुछ रहेगा आगे जाके मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं, उस टाइम आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी है ताकि आपको भी इस चीज के लिए काफी हेल्प मिले। तो जब मैं इंडिया से वापस दुबई में आया था दिसंबर को रिसेंटली, तो मैंने एमिरेट्स में ऑनलाइन अपना सीवी और अपनी सारी डिटेल्स डाल दी थी और उसके बाद मैंने वेट किया काफी लंबा, लेकिन मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने अपना सीवी पूरे अच्छे से अपडेट किया, पूरे एक एक कीवर्ड, मतलब कैसे वो स्कैन करते हैं सब कुछ, मैंने एक एक वर्ड इंटरनेट से ढूंढ के और बहुत ही अच्छे से एक अपना प्रॉपर सीवी तैयार किया। और मैंने 3 फरवरी को माल्टा का वॉक इन इंटरव्यू देने गया था, उस दिन मैंने अपना सीवी बनाया था। तो उस दिन मैंने बहुत ही अच्छे से इसके केबिन क्रू के लिए भी बना दिया था। तो फिर वो मैंने 3 तारीख को रीअपलोड कर दिया था एमिरेट्स की वेबसाइट पे। तो 16 फरवरी को मेरे पास कॉल आया दनाता एमिरेट्स की तरफ से। हेलो, वी आर कॉलिंग फ्रॉम एमिरेट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर डिजिटल असेसमेंट इंटरव्यू। मैं बोला ओह माय गॉड, क्या मैं मतलब उस टाइम नींदों में था। तो फिर मैंने फोन उठाया, मैं बोला यस सर, हु इज स्पीकिंग, हियर वी आर कॉलिंग फ्रॉम एमिरेट्स एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर केबिन क्रू इंटरव्यू, डिजिटल इंटरव्यू होगा वो आपका। तो मैं बोला ओके ठीक है। उसके बाद मेरे से सब्र नहीं हुआ, मैं मतलब पूरा एक्साइटेड हो गया और साथ के साथ नर्वस भी हो गया यार, एकदम से इंटरव्यू आ गया। तो उन्होंने मेरे पास मेल पे एक लिंक भेज दी, उसके तुरंत बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि अभी कल मेरे को इंटरव्यू देना ही देना है। मैंने अपने ऑफिस बॉय भाई को बताया कि भाई मेरा ऐसे ऐसे इंटरव्यू है, कल तैयारी करवा देना मेरी। वो बोला ठीक है मैं करवा दूंगा। तो मैंने व्हाइट शर्ट जो कि मैं माल्टा इंटरव्यू के लिए ही मैं पहन के गया था, वो मेरी ऐसे ही पड़ी थी। तो मैंने आके फटाफट उसको धोया, फिर उसको आयरन किया और अपना कोट को अच्छे से सेट किया और अपने जूते पॉलिश किए और सब कुछ, मतलब मैं प्रॉपर रेडी हो गया। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे इंटरव्यू दिया डिजिटल असेसमेंट का, जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरव्यू होता है। शुरुआत में उन्होंने मेरे से ग्रामर के क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद उन्होंने मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे थे रिलेटेड टू माय वर्क, कि आपका कस्टमर सर्विस में ऐसी कोई सिचुएशन बताओ जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया हो और वो बाकी सब बहुत ज्यादा परेशान हो लेकिन आपने उस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल किया हो। तो ऐसे इस तरह के 3 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे थे जो कि मैंने अपने हिसाब से आंसर दे दिया था। अभी तक मेरा रिप्लाई आया नहीं है, रिप्लाई आएगा जब मैं बता दूंगा, जो भी आएगा। मैं मतलब 50-50 चांस है, अभी मैं प्रॉपर बता नहीं सकता कि मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं, क्योंकि मैं खुद उस टाइम बहुत ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड था क्योंकि मेरे को पता नहीं था वो सीधा फेस टू फेस नहीं होगा, वो एक कंप्यूटर के साथ होगा और वो वीडियो रिकॉर्ड होगी और वो मेरे को लेटर अपलोड करनी। उसमें एक अच्छी बात है, उसमें री अटेम्प्ट का ऑप्शन होता है कि आप हर क्वेश्चन का 2 बार आंसर दे सकते हो, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखना इस सिचुएशन के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेंगे। और उसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरे को उस इंटरव्यू के लिए क्यों सिलेक्ट किया, उसका मेन रीजन क्या था। एक तो मेरा सीवी और एक मेरी फोटो, मैंने अच्छे से क्लिक करके वो लेडी रखी थी, क्योंकि जब मैं इंडिया आया था तो मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने अच्छे से अपनी कोट पैंट पहन के अपने रूम में अच्छे से फोटो शूट कर लिया था और एडिट करके सेव कर ली थी उन फोटो को और उनके वेबसाइट्स पे डाल दी थी। लेकिन जब मैंने सीवी रीअपलोड किया ना, उसके बाद मेरे पास इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन का ऑप्शन आया था। तो आप देख सकते हो इंटरव्यू आपके लिए कितनी वैल्यूएबल रखता है। तो मेरे मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, चलो चल जाएगा ठीक है, लेकिन अगर आपका सीवी उस हिसाब से नहीं है कि जिस हिसाब से वो रीड कर सके, जहां तक मेरा आइडिया है कि वो सीवी जो है वो कंप्यूटराइज्ड स्कैन करते हैं कि किस तरह से उसने वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेता है कि अच्छा इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका ये एक्सपीरियंस है। आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना उसमें, कस्टमर सर्विस का जो भी आपका एक्सपीरियंस है अच्छे से लिखना है। तो वो सारी बातें आपको वेल मैनेज्ड करके बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सीवी में लिखनी है, सीवी में बहुत ज्यादा काम करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसा सीवी अपलोड किया था, फोन से ही मैंने अपना सीवी बनाया था और फोन से ही मैंने अपलोड किया था। आप ये चाहते हो कि कैसे सीवी बनाना चाहिए और कैसे अपलोड करना चाहिए, सारा प्रोसेस मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।